ओरे मेरी लाडू बनेगी दुल्हन। अरे लक्ष्मी बहू, अभी तो बेटी 14 साल की हुई, तूने अभी से उसके ब्याह की तैयारी शुरू कर दी? अम्मा आपको तो पता है ना, बेटियों को बड़ा होने में देर नहीं लगती। ये देखिए अम्मा, इसे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में पहनूंगी। क्यों रे निम्मो, कैसे लगेगी ये साड़ी? माँ पेट में दर्द हो रहा है। रुक, मुझे कपड़ा ढूंढने दे और आज कहीं बाहर मत जाना। लो बेटी हो गई बड़ी। क्या लखू भाभी, क्या ढूंढ रही हो? अरे रेखा बहन, कपड़ा ढूंढ रही हूँ नीमू के लिए। लो बोलो। अभी शादी ब्याह की बात हो रही थी तब जवेरात और साड़ियों की तैयारी कर रही थी, अब सेहत और सुरक्षा की बात आई तो सिर्फ एक कपड़ा काफी है क्या? तो क्या करूं, वो टीवी एड में दिखाते हैं वैसे महंगे पैड लाऊं? इतने महंगे शौक हम नहीं पाल सकते। ये शौक नहीं सुविधा है भाभी। ये पूरा पैकेट सिर्फ 10 रुपए में, यानी एक पीस सिर्फ 2.5 रुपए का। अब बताइए है ये महंगा? पर ये काम तो कपड़ा भी कर सकता है ना। ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए भारत सरकार ने ये सुविधा कम दाम में उपलब्ध करवाई है। और सुविधा हमारा हक है भाभी। पर ये मिलता कहाँ पे है? देश के हर जनऔषधि स्टोर पे ये उपलब्ध है। थैंक यू रेखा मासी। बेटा थैंक यू भारत सरकार को बोलो जो अपनी बेटियों की सुविधा के साथ कोई समझौता नहीं करती। निमुख की खुशियाँ अब सच में समझ जाएगी।